to my channel, मैं हूँ तनिमा and hope you all are doing very well. तो guys, आज मैं करने जा रही हूँ एक foundation का review जो है बहुत ही ज़्यादा famous foundation and एक drugstore foundation and affordable foundation. And one more thing, अब मेरे channel पे नए हो then don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for further notification. And you can also follow me on my Instagram. My Instagram handle is here, also in my description box. And मेरा ये look अच्छा लगा तो इसके लिए तो subscribe करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये makeup look शायद चला गया है और नहीं तो जाएगा. So चलिए और delay ना करके get into the video. तो आज मैं करने जा रही हूँ ये वाला foundation का review. तो ये है L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation and here my shade number is 104 golden beige. It says ki it's 24 hour foundation, demi matte finish, air light and oil free formula. And iska price hai 750 rupees. Here you can see. And iska quantity hai 30 ml, jo hai bahut hi zyada affordable for a foundation. And लाइक या सिर्फ 750 रुपीज़ एंड ऑफर में तो आपको लाइक 500 पे भी मिल जाते हैं नाइका पे. लाइक अभी भी सेल चल रहा है या नहीं, मुझे कुछ दिन पहले ये 500 का भी देखा था नाइका पे. एंड इसका सेल्स लाइफ है 3 इयर्स जो है बहुत ही अच्छा बात. एंड इसका भी जो लाइक इन्ग्रीडियंट्स है वो पीछे लिखा है, आप जब खरीदोगे तब आप देख सकते हैं. इट्स अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन. इधर बोला है कि इट्स अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन. इट सेज कि इट्स अ हीट प्रूफ, स्वेट प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ. मैं आपको थोड़ा सा हैंड स्वाचेस दिखा देती हूँ एंड देन मैं रिव्यू पे जाऊंगी. एंड दिस इज द शेड गोल्डन बेज. ये बहुत ज्यादा मैट फाउंडेशन है तो इसलिए, और ये ऑयल फ्री भी है तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन. बट स्टिल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. मेरा लाइक कम्बिनेशन और ड्रायर साइड का भी स्किन आप कह सकते हो, फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. बट आप कोई भी फ्लेकीनेस नहीं देखोगे. मैं अभी ये फाउंडेशन को ही ऑयल की हूँ, कोई भी फ्लेकीनेस नहीं है. और ये जो वीडियो है मेकअप वीडियो, इसको देखने के लिए तो आपको मेरा चैनल पर सब्सक्राइब करना ही है. तो कोई भी फ्लेकीनेस नहीं है. ट्रांसफर प्रूफ तो ज़रूर है. और एक लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि शीन है. मैं इसका बेनिफिट पे बहुत ज़्यादा स्किन केयर की थी, लाइक सीरम और फेशियल ऑयल. दिन में एक ड्यू प्राइमर भी अप्लाई की थी, इसलिए शायद थोड़ा सा ड्यूनेस दिख रहा है. तो बिकॉज मैट फाउंडेशन के बेनिफिट पे एक ड्रायर पीपल और ड्रायर स्किन पीपल इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली स्किन केयर इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ड्यू प्राइमर इज इम्पॉर्टेंट. तो दैट्स इट. एंड और जो बोलना है कि ये जो फाउंडेशन है, पहले मुझे जो लगता है कि इट्स नॉट गोल्डन बेज. गोल्डन कलर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो इसका शेड नेम तो नेचुरल होना चाहिए था. तो आई डोंट नो व्हाई दे गिव इट गोल्डन बेज नेम. एंड बट ये मेरा स्किन टोन को लाइक मेरा स्किन ना थोड़ा सा योलोइश है. यू कैन सी थोड़ा सा योलोइश है. बट मेकअप करने के बाद ना वो स्किन टोन से मैच हो जाते हैं. तो मेन रिव्यू में आने के पहले मैं थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहती हूँ. तो हेयर यू कैन सी. एंड प्राइमर के लिए मैं आज यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का ड्यू फिनिश प्राइमर. ये वाला फाउंडेशन को मेरे फेस का हाफ साइड मैं लाइक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी और हाफ साइड मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी. तो मैं थोड़ा सा मेरा बैकअप द हैंड ले लेती हूँ. एंड मैं पहले तो इतना सा ही लूंगी, नेक्स्ट देखते हैं.
तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप देख ही सकते हैं कि मेरा यह वाला साइट पे ज़्यादा कवरेज है, ये वाला साइट पे थोड़ा सा कम कवरेज है बिकॉज़ फॉर ब्रश, एंड इसलिए मैं ब्रश से ही ब्लेंडिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. बट इट्स टेक सम टाइम, ब्यूटी ब्लेंडर की हद से बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं, ब्रश की हद से थोड़ा सा टाइम लेते हैं बट ज़्यादा कवरेज भी मिलता है. ठीक है, और एक चीज़ की एक लेयर पे तो ये हाइड नहीं हुई है, मेरा जो मार्क्स है वो तो हाइड नहीं हुई है, इसलिए मैं इसका दूसरा लेयर लगाऊंगी. एंड अभी मैं ये वाला जो साइड है ना उसको भी ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि आप लाइक एक लेयर पे ब्रश की हेल्प से तो देख ही चुके हैं और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से तो देख ही चुके हैं. सो जो नेक्स्ट लेयर है वो मैं पूरा ही ब्रश की हेल्प से करूँगी, तो मैं दिखाऊंगी ये जो दो मार्क्स है इधर एक और इधर एक वो हाइड होते हैं या नहीं. मेरा इधर भी थोड़ा सा पिगमेंटेशन है तो मैं उसको हाइड करने के लिए भी तो मैं ये वाला एरिया पे नहीं अप्लाई करूँगी बिकॉज इधर मैं कंसलर और थोड़ा सा आई शेडो करूँगी बिकॉज ऑफ माई अनदर वीडियो, तो मैं फुल लुक करके फिर बैक करती हूँ. तो गाइज आप देख ही सकते हैं कि ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है जो ये कहते हैं, बट मुझे लगता है कि ये मीडियम से भी बहुत ज़्यादा कवरेज देते हैं बिकॉज वन लेयर पे कोई भी फाउंडेशन इतना ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड नहीं करता है. मैं इतना सा ही पम्प ली थी आप देख सकते हैं. अभी मैं जाऊंगी ये फाउंडेशन का लाइक ये फाउंडेशन का प्रोज एंड कॉन्स पे. तो नंबर 1 प्रोज इज बहुत ही ऑनेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत सारे फाउंडेशन को ट्राई की हूँ, वो कहते हैं कि मेरा फाउंडेशन ना फुल कवरेज है बट नहीं देते हैं, बट ये मीडियम बोल के भी ये हायर कवरेज देते हैं, फुल कवरेज देते हैं. देन नंबर 2 प्रोज इज ए लाइक ट्रांसफर प्रूफ है. नंबर 3 इज ये ऑयल फ्री फॉर्मूला है फॉर ऑयल स्किन पीपल. एंड नंबर 5 इज कि ये ना 24 आवर तक रहते हैं लाइक मेवलिन का जो फाउंडेशन है. देन है ये एक डेमी मैट फिनिश, एकदम वी लाइक मैट नहीं, एकदम वी लाइक डूई नहीं, डेमी मैट फिनिश जो है बहुत ही लाइक गुड थिंग. देन नंबर 6 प्रोज इज के या ये मेरा लाइक इतना अच्छा कवरेज है ना कि ये मेरा जो मार्क्स था उसको हाइड कर चुके हैं. देन नंबर 7 प्रोज इज कुछ फाउंडेशन है कि ब्लेंड करने के बाद बहुत फ्लॉलेस दिखते हैं बट बाकी मेकअप करने के बाद लाइक कंसीलर लाइक कॉम्पैक्ट एंड ब्लश वगैरह अप्लाई करने के बाद फ्लेकी केकी दिखता है, बट ये नहीं, ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. तो ये है इसका नंबर 7 प्रोज एंड दैट्स इट. नंबर 7 इसका प्रोज है. देन मैं कॉन्स पे आती हूँ. तो नंबर 1 कॉन्स इट्स नॉट फॉर ड्राई स्किन, सुपर ड्राई स्किन पीपल के लिए तो एकदम भी नहीं है, एकदम भी नहीं है, मैं एकदम भी सजेस्ट नहीं करूँगी. एंड नंबर 2 कॉन्स इज ये फाउंडेशन ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लाइक बुरा लगा. देन नंबर 3 इज कि ये क्रुएल्टी फ्री है और नहीं है, वो इधर मेंशन नहीं है. तो गाइज लाइक मेरा हमको भी हक है ना कि ये क्रुएल्टी फ्री है और नहीं है, वो लिखा होना चाहिए. किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका वेबसाइट पे और इसका बैक पे नहीं लिखा है. ठीक है, ये मुझे कॉन्स लगा, क्योंकि हमको भी हक है किसी प्रोडक्ट का लाइक वो क्रुएल्टी फ्री है या नहीं ये जानने का. ठीक है, तो ये मुझे कॉन्स लगा. और नंबर 4th कॉन्स एंड लास्ट कॉन इज ये गोल्डन बेज कहता है बट ये एक पिंक अंडरटोन पे आते हैं. यू कैन सी अभी आपको शायद लगेगा कि ये पिंक अंडरटोन है, तो थोड़ा सा पिंक अंडरटोन पे आते हैं. एंड मैं गोल्डन बेज देख के ही इसको खरीदी थी. एंड इसका आउटर पैकेजिंग भी डिटो गोल्डन टाइप ही लगते हैं बट अंदर से ये गोल्डन नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा सा लाइक मैं अपसेट हो गई हूँ इसको देख के. यही था मेरा आज का वीडियो.
आई थिंक आप ये रिव्यू वीडियो को पसंद किए हो, एंड पसंद किए हो देन प्लीज़ लाइक कर देना। मेकअप लुक के लिए भी तो एक लाइक बनता है यार, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप चाहते हो देन मेरा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, एंड दैट्स इट। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। तो गाइस सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, लव यू, टेक केयर।